यस बॉस, यस यस, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। यस, हाँ, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। ये बॉस खुद जल्दी आ जाता है और सबको डराता रहता है। अगर मैं आज लेट हो गया ना, तो समझो मेरी छुट्टी। देखो शिवा, उसने मेरी गाड़ी की क्या हालत कर दी। रेड सिग्नल तोड़ा, स्वामी अंकल की कार को टक्कर मारी, सॉरी कहने के बजाय भाग रहे हो। चलो उनको सॉरी बोलिए। ए बच्चे, मैं अभी जल्दी में हूँ, दिमाग मत खराब कर वरना दूंगा एक खींच के। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। ओ, चामुंडा देख क्या रहे हो, मारो इस बच्चे को। सॉरी बड़े भाई, गलती हो गई। मैं जाऊं, मेरे बॉस आ रहे हैं। सॉरी यार, गलती हो गई, सॉरी। इनका नुकसान भर के जाओ वरना। तुम जो भी हो, एक बात जान लो, शिवा के रहते वेदार शहर में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। नमूना तो तुमने देख लिया, अब जाओ। थैंक यू शिवा, थैंक यू। Yes, ये पोर्ट मेरे लिए एकदम ठीक है। आज से 15 दिन तक रोज मेरे शिप से स्मगलिंग का सोना इस पोर्ट पे उतरेगा और यहाँ से बाय रोड वेनस सिटी जाएगा। लेकिन सुलेमान भाई, ये पोर्ट तो विदा सिटी का है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं जो चीज चाहता हूँ उसे मांगता नहीं, छीन लेता हूँ। मान न मान, मैं तेरा सुलेमान। इस पोर्ट पे कब्जा कर लो। मगर ऐसे कैसे पॉसिबल है बॉस? पुलिस को तो हम हैंडल कर लेंगे। सबसे बड़ा खतरा यहाँ शिवा नाम का एक छोटा सा नन्हा सा लड़का है, जो बड़ों बड़ों को छठी का दूध याद दिला देता है। उसकी साइकिल उससे भी तेज है, वो हवा में उड़ती है। क्या, एक बच्चा? बच्चे से डरते हो तुम लोग? बच्चा नहीं है वो, 10-20 बड़ों के बराबर है। शिवा को कभी बच्चा नहीं कहना बॉस, बहुत मारता है। मैं भी आज ही बहुत मार खा चुका हूँ, बहुत मारा है हम दोनों को उसने। वैसे तो बच्चे से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मगर मुझे यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े से हमारा काम बिगड़ सकता है, इसीलिए सबसे पहले बड़ी खामोशी से चुपचाप
शिवा को अगले 10-15 दिन के लिए यहाँ से गायब करवा देता हूँ। एक बार स्मगलिंग का सारा सोना यहाँ से वीनस सिटी भेज दो, फिर देखूंगा इस शिवा को। मैं जो चीज चाहता हूँ उसे मांगता नहीं, छीन लेता हूँ। मान न मान, मैं तेरा सुलेमान। तुम देखो मैं क्या करता हूँ। लाल शर्ट वाला, इतने छोटे से बच्चे से मार खाई तुमने, शर्म नहीं आई? शर्म तो बहुत आई, पर क्या करता, सिर्फ मार ही खाता रहा। आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, कितनी बुरी तरह मारेगा आपको भी। तो मेरे सबसे पुराने आदमी हो, इसलिए यकीन कर लेता हो, कोई और होता तो नहीं करता। चलो एज पर प्लान काम शुरू करते हैं। दोस्तों, कैन आई हैव योर अटेंशन? आप सब यहां आ जाइए, मैं माउंटेन हिल रिसोर्ट का मालिक हूँ। हमारा लकी ड्रॉ निकलने वाला है। रेवा, ये माउंटेन हिल रिसोर्ट लकी ड्रॉ क्या है? पता नहीं, चलो पूछते हैं। दोस्तों, माउंटेन हिल रिसोर्ट के प्रमोशन के लिए आज यहाँ एक लकी ड्रॉ निकलने वाला हूँ। जो उस लकी ड्रॉ में जीतेगा उसे उसकी फैमिली और दोस्तों के साथ माउंटेन हिल रिसोर्ट पे 15 दिन के लिए फ्री छुट्टियाँ बिताने भेजा जाएगा। सब लोग अपना अपना नाम लिख के इस लॉटरी ग्लोब में डाल दो जल्दी। अब निकाला जाएगा लकी ड्रॉ, देखते हैं कौन किस्मत का धनी है। शिवा, शिवा कौन है? शिवा कौन है? सामने आए। ये शिवा यहाँ है। Congratulations, young man. Hearty congratulations. Please come here. आपको आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ 15 दिन के लिए माउंटेन हिल रिसोर्ट पे भेजा जाएगा। खाना पीना रहना सब मुफ्त, और यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कौन है वहाँ मेरी साइकिल के पास? इसका मतलब कोई मेरी साइकिल चुराने आया था। तब तो साइकिल को भी अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा, वरना चोरों की नजर रहेगी इस पर।
लगता है कुछ गड़बड़ी आ गई है। मैं देखता हूँ। अरे भाग क्यों रहे हो? ये कूद क्यों गया? उसी से जाकर पूछ लो। मतलब है कि हेलीकॉप्टर खराब नहीं हुआ बल्कि किया गया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें जानबूझकर शहर से दूर किया गया है? हाँ। मुझे डर लग रहा है, कहीं यहाँ जंगली जानवर हुए तो हम क्या करेंगे? अब हमें कुछ नहीं करना, जो करना होगा जंगल के खतरनाक जानवर आकर खुद ही कर लेंगे। मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, और मत डराओ। मैं जितना ज्यादा डरता हूँ उतनी ज्यादा भूख लगती है। नानी जी, खाने को कुछ दीजिए ना। पर बेटा, खाने को तो कुछ भी लाए नहीं है। सोचा था वहीं रिजॉर्ट में जाकर खाएंगे, अब तुम्हारे खाने के लिए कहाँ से आएगा? चिंता मत करो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता। अभी नाना के गाने का कमाल देखो। गैस बलून क्यों नहीं निकला? कुछ प्रॉब्लम है। चलो हेलीकॉप्टर जैसे उड़ा के चलते हैं। ओह, अब समझा। हमें पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ फंसाया गया है। किसी को पता था कि मेरी साइकिल उड़ती है, इसलिए रात में उसने आके साइकिल खराब कर दी और मैं उसे चोर समझ रहा था। जरूर वेदा शहर में कोई अनहोनी होने वाली है। अब मैं लड्डू सिंह जी को फोन करके हेल्प मांगता हूँ। यस 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 यस। ओह नो शिवा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि वेदास सिटी पोर्ट को स्मगलर्स ने कब्जे में ले लिया है। मैं जा रहा हूँ पता करने कि ये खबर सच है या झूठ। ये खबर सच है और तुम अब जेल में रहोगे कुछ दिनों के लिए। शिवा, इन्होंने हमें भी अरेस्ट कर लिया है। कम सुन। ओह अच्छा, तो ये बात थी, इसीलिए हमें शहर से बाहर भेजने का प्लान बनाया गया था। वेदास पोर्ट पे गुंडों ने कब्जा कर लिया है, मुझे जाना होगा। मैं वहाँ जाके आपके लिए हेल्प भेजता हूँ। नहीं शिवा, तुम उस तरफ मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। शिवा, तुमको जो सही लगता है वही करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
रहा हूँ। मेरे घर वाले और मेरे दोस्त बार्टले माउंटेन पर फंसे हैं। प्लीज आपके हेलीकॉप्टर की जरूरत है। यस यस शिवा, डोंट वरी, हम उनको लेकर आते हैं। ऐसे ही रोज सोने के बॉक्सेस आएंगे अगले 15 दिन तक। बस फिर हम यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जैसे तुम्हारा शिवा गायब हो गया। क्या कहा था, वो बच्चा बहुत खतरनाक है, भयानक है। एक बच्चे से डर गए। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा, शिवा नाम है मेरा। मान न मान, मैं तेरा सुलेमान। पकड़ो उसे, खत्म कर दो। क्या रहे हो, एक बच्चे ने इतनी बर्बादी कर दी, मारो उसे। मैं तो मार खा चुका हूँ, अब बारी आपकी है। मैं किसी से हार नहीं मानता, एक बच्चा मेरा प्लान चौपट नहीं कर सकता। Oh!
एक एक को ढेर कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है हाय? लड्डू सिंह जी, वो सब पहले ही ढेर हो चुके हैं। पहले ही ढेर हो गए? कैसे हो गए? क्यों हो गए? अरे क्यों हो गए बताओ। उठो उठो, एक एक को मारूंगा। मेरे इलाके में बदमाशी, हाय छोड़ूंगा नहीं। अरे उठो उठो।